मेरे चैनल शायनाज किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में मटन दम बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 5 से 6 लौंगे ले लेंगे, 10 से 12 काली मिर्चें ले लेंगे, 1 छोटा सा जावित्री का टुकड़ा ले लिया है, 1 जायफल का टुकड़ा ले लिया है, यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची ले ली है, कुछ मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने सौंफ ले ली है, 1.5 से 2 टेबलस्पून मैं धनिया ले लूँगी। अब मैं इसका फाइन पाउडर बना लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 700 से 800 ग्राम मटन ले लिया है। अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये 100 ग्राम दही लेकर मैंने इसमें भी ऐड कर लिया है। अब मैंने जो बिरयानी का मसाला आपको बताया था वो भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 टीस्पून रेड चिली डाल लूँगी। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो। यहाँ 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखिए इसे अच्छे से रब करते हुए मिक्स करेंगे। लीजिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। लीजिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर ली है। कुकर में मैंने 2 सर्विंग स्पून ऑयल ले रखा था। इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की अनियन को ब्राउन करके बाहर निकाल लिया था। मैं आपको बताऊँगी आगे उसको कैसे यूज़ करना है। ये देखिए अब मैंने इसमें मटन ऐड कर दिया है जो मैंने मैरिनेट किया था। देखिए अब मैं इसे लगातार चलाते हुए भून लूँगी जब तक इसका ऑयल रिलीज ना हो जाए अच्छे से और मसाला हमारा अच्छे से भून नहीं जाता। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी ले ली है, वो मैंने ऐड कर दी है इसमें। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार भून लेंगे चलाते हुए। देखिए किस तरीके से मैं भून रही हूँ। लीजिए ये भून चुका है बहुत अच्छे से, इसका मसाला एकदम अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। ये लीजिए मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, इसकी लीड को कवर कर देंगे और 4 से 5 प्रेशर इसमें लगा लेंगे या फिर इसे जब तक पकाएंगे जब तक इसका मटन जो है टेंडर ना हो जाए। लीजिए कुकर की लीड मैंने ओपन कर दी है, मटन हमारा 90% तक कुक हो गया है। देखिए मैंने आपको दिखा दिया चेक करके। अब हम चावलों की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉट में 2 लीटर पानी लेके रखा हुआ है, इसे मैं बॉईल करने रख दूँगी। ये लीजिए इसमें मैंने 2 बेलीफ ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 1 छोटा सा टुकड़ा स्टार एनीस का ले लिया है, यहाँ पर मैंने जावित्री ले ली है, कुछ दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 5 से 6 लौंगे ले लेंगे, 2 हरी इलायची ले लेंगे। इसमें मैंने इसे ऐड कर दिया है। ये देखिए अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे नमक चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ चेक करके। लीजिए मैंने इसका नमक चेक कर लिया है, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। पानी में हमें नमक बिल्कुल खुलता हुआ डालना है ताकि चावलों में भी हमारा नमक बिल्कुल परफेक्ट आए। ये देखिए पानी में बॉईल आने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। मैंने 1/2 केजी राइस लिए थे, ये गोल्डन सेला राइस है, इसे मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी इसको। लीजिए सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। लीजिए मैंने इसको हिला लिया है, इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसकी लीड को कवर कर दूँगी और 10 से 12 मिनट इसे पकने दूँगी। ये देखिए मैंने इसकी लीड ओपन कर ली है। अब मैं आपको राइस भी चेक करके दिखा दूँगी। देखिए ये 90% तक गल चुके हैं, बाकी के जब हम दम लगाएँगे तब ये कुक हो जाएंगे।
अब मैं इसे ड्रेन कर लूँगी। लीजिए, जिस पॉट में मैंने चावलों को बॉईल किया था उसी पॉट में मैं इसकी लेयर लगा रही हूँ। देखिए किस तरीके से मैं लेयर लगा रही हूँ। थोड़े थोड़े करके हम मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। देखिए जो मैंने अनियन ब्राउन करके निकाली थी उसमें से मैं हाफ इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया था, इसे मैंने केवड़ा वाटर के अंदर मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था। अब मैं इसको चावलों के ऊपर ऐड कर रही हूँ कलर को। 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इसे मैंने बीच में से स्लिट कर लिया था। अब मैं हाफ इसके ऊपर ऐड कर लूँगी। ये मैंने रेड चिली का एक अचार लिया था, इसको कट करके इस पर ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैं टमाटर के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। अब देख लीजिए, अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर दूंगी। अब आप इसके ऊपर मटन की लेयर लगा दें। देखिए इस तरीके से मैं लेयर लगा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से लगा देंगे। अब इसके ऊपर बाकी के बचे राइस की भी लेयर लगा देंगे। लीजिए फिर से मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिए ब्राउन की भी। अब फिर से मैं इसके ऊपर फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे बचा हुआ अचार है वो भी इस पर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप हरी मिर्चों का भी अचार यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें टमाटर के स्लाइसेस रख दिए हैं। एक टमाटर लिया था इसे मैंने स्लाइस कर लिया था, बाकी की हरी मिर्चें भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। फिर से हम इसके ऊपर अब हरा धनिया लगा डाल देंगे। ये देखिए बाकी का बचा हुआ मटन भी इसके ऊपर ऐड कर देना है इसी तरीके से। ये देखिए जो इसकी ग्रेवी बची थी, मसाला जितना भी था सब मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके कवर करके 15 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया है। 2 मिनट के लिए मैं फ्लेम को हाई करूंगी, उसके बाद 12 से 13 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पे पका लूँगी। लीजिए ये पक चुकी है, अच्छे से दम लग चुका है। मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। देखिए बहुत ही टेस्टी सी मटन दम बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।